अलैकुम फ्रेंड्स, इट्स मी सोफिया खान। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल बटन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने बाय किए हैं ये दो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन दराज डॉट पी के से। मैंने एक हुदा ब्यूटी का प्राइमर ऑर्डर किया था और एक हुदा ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट, जिसकी प्राइस बहुत ही कम थी, बहुत ही चीप थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको बाय करके देख लिया जाए कि ये वाकई में प्राइस वाइज कम है या फिर क्वालिटी वाइज भी कम है। तो मैंने इनको जल्दी से ऑर्डर कर लिया और मुझे ये रिसीव हुई ये दोनों चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ प्राइमर का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि ये प्राइमर कैसा रहा मेरे साथ। तो ये प्राइमर हुदा ब्यूटी का प्राइमर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यू जस्ट सी के ये जो यहाँ पे ये हुदा ब्यूटी का नाम लिखा हुआ है स्टिकर से लगा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, मतलब पैकेजिंग वाइज ही पता चल रहा है कि कितनी लो क्वालिटी की है। ये नज़र आ रहा होगा आपको, शायद नज़र आ रहा होगा, आई होप। ये देखें स्टिकर लगा हुआ है, ये हुदा ब्यूटी के नाम का स्टिकर लगा हुआ है। मेरे को ये देख के धचका लगा कि अंदर से भी कहीं ऐसा ही ना हो जैसे बाहर से है। तो मैंने इसको यूज़ करके देखा तो फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, आप देख सकते हैं। मैं आप लोग को लाइव दिखा देती हूँ। लुक एट दिस, ये है हुदा ब्यूटी का प्राइमर। जस्ट एन ऑयल, आपको नज़र आ रहा होगा, आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये कोई प्राइमर व्राइमर नहीं है, ये जस्ट आपके फेस को बर्बाद करने वाली कोई ऑयल है। इसको लगा के मेकअप फिक्स नहीं रहेगा, मेकअप ख़राब ज़रूर हो जाएगा। तो ये था हुदा ब्यूटी के प्राइमर का एक्सपीरियंस, आप लोगों ने देख लिया होगा ये कैसी है। तो ये हुदा ब्यूटी के नाम पे इन लोग जो कर रहे हैं ना, और भी बहुत से ब्रांड्स के नाम ये लोग ले लेते हैं और चीज़ ऐसी देते हैं कि बंदे का ब्रांड से दिल ही उठ जाए। तो ये था हुदा ब्यूटी का प्राइमर। और उसके बाद सेकेंडली जो चीज़ मैंने ऑर्डर की थी वो थी हाइलाइटर पैलेट। तो पैलेट तो मुझे पैकेजिंग वाइज बहुत अच्छी लगी, दिखने में भी बिल्कुल एज इट इज़ ओरिजिनल की तरह ही है। और जब इसको ओपन किया मैंने तो अंदर से मुझे कुछ मौसूल हुआ ऐसा। देखिए चार शेड थे, एक वाइट, सिल्वर, एक क्रीम कलर, एक स्किन कलर और एक पिंकिश कलर। तो ये सारे कलर मुझे मौसूल हुए, लेकिन जब मैं इनको लगाने की बारी आई तो फिर कुछ ऐसा हुआ। ये हाइलाइटर यहाँ पे थोड़ी सी शाइनिंग दे रही है, लेकिन ये ऐसी शाइनिंग हमें नहीं चाहिए, ये हाइलाइटर वाली शाइनिंग नहीं है। मतलब ऐसे लगा कि कोई ग्लिटर लगाया है, मतलब कैमरा में आप लोगों को मैं बता नहीं पा रही, लेकिन ये बिल्कुल ही लोकल है, बिल्कुल ही लोकल, मतलब बिल्कुल लोकल। थोड़ा और रब करेंगे ना इसको, ये तो बिल्कुल गायब ही हो जाना है। देखिए ये हाइलाइटर है, हाइलाइटर ऐसा होता है, हाइलाइटर लगाओ तो एक अलग सा एक शाइनिंग वाला लुक आता है, वो इसमें नहीं आ रहा। ये कोई हाइलाइटर नहीं है, बस इन्होंने हाइलाइटर के नाम पे जो है हम लोगों को धोखा दिया है और कुछ भी नहीं। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि ये लोग दराज वाले क्या कर रहे हैं कि ब्रांड्स के नाम लिख के जो है फ़ोटो डाल देते हैं और उसके बाद लोग समझते हैं कि ब्रांड की चीज़ इतनी सस्ती मिल रही है। जो लोग न्यू होते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि इस तरह के धोखा होते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा धोखा हो जाता है। तो काइंडली आप लोग ऐसी चीज़ें बाय मत करें जो स्पेशली इन्होंने सेल ऑफ़र पे लगाई होती है। तो सेल ऑफ़र पे इन लोग अक्सर ऐसी चीज़ें ही देते हैं। मैं पहले भी अपनी दो वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इनमें साथ कैसी कैसी चीज़ें ये लोग भेजते हैं। तो अब तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा होता नहीं है, बस लो और रख दो ऐसे ही, अब ये पड़ी रहेंगी ऐसे ही, या फिर मैं थोड़े दिनों बाद इनको फेंक दूँगी। यूज़ तो क्योंकि ये करने के काबिल है नहीं बिल्कुल भी, यूज़ करके कौन अपना चेहरा ख़राब करेगा इसको यूज़ करके। ये प्राइमर है जस्ट लाइक दैट, ये प्राइमर है और ये हाइलाइटर है। ऐसे प्राइमर और ऐसे हाइलाइटर हो तो फिर तो मेकअप क्या ही लगेगा। तो फिर मैं आप लोगों को इनको बता, मैं इनकी
प्राइस आप लोगों को बता दूँ, ये मेरे को मिली थी 375 रुपीज़ की, और ये थी ये थोड़ी ये 400, ये 450 रुपये की थी। तो ये दोनों मुझे मिली थी दराज से, और इनकी शिपिंग भी की थी मैंने विद शिपिंग। इनकी प्राइस थी 875, क्योंकि दोनों की शिपिंग 2025 2025 2025 थी आई थिंक। तो जितनी भी थी जो भी थी मेरे ख्याल से एकदम बेकार थी, एकदम यूज़लेस है, कोई इसका यूज़ नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ दराज वालों, असली ब्रांड का नाम लेकर आप लोग इस तरह की लोकल चीज़ें देकर ब्रांड से दिल ही उठवा रहे हैं हम लोगों का, तो मतलब सीरियसली। सो और क्या कह सकते हैं इनके बारे में। सो अब मैं जो है जब बहुत बहुत जल्द मेरे चैनल पे वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल आने वाला है, जो कि बिल्कुल ऑनेस्टली मैंने जो है ब्रांड की कंपनी से ऑर्डर किया है। सो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए, और बहुत जल्द मेरी वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरी वीडियो टीनएजर्स के लिए जो ज़्यादा एक्सपेंसिव मेकअप अफोर्ड नहीं कर सकते, और उन उन ब्राइड्स के लिए जिनके भी नई नई शादी होने वाली है और वो ब्राइडल किट बनाना चाहती हैं। और कितना ही अच्छा होगा अगर वो ब्राइडल किट एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट से हो, और वो ब्रांड एक्सपेंसिव भी इतना ना हो और बहुत अच्छी भी हो क्वालिटी वाइज। सो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। सो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।